आज की वीडियो में मजा आने वाला है। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टेड होने वाली है आप लोगों के लिए। खास करके वीडियो मैं बना रहा हूँ, अदरवाइज मैं इस वीडियो को नहीं बनाता। बहुत से लोग होते हैं जिनको गिम्बल के बारे में पता नहीं होता, तो मैं सोचा जब मैं परचेस कर ही लिया हूँ गिम्बल, तो आप लोग तक क्यों नहीं एक वीडियो बना के इसकी पूरी जानकारी दे दूं, ठीक है। तो ये आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से सब कुछ हो पाया। अगर आप लोग ऐसे प्यार सपोर्ट दिखाते रहेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत सारे इक्विपमेंट मैं खरीदूंगा अपने वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जिस प्रोडक्ट की बात करने वाला हूं, जिसकी अनबॉक्सिंग आज करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट का नाम है, यहाँ पे देख सकते हो DJI ओम 4S, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा पीछे की तरफ में, यहाँ पे कुछ प्रोसेस दे रखे कैसे कैसे ये काम करता है, ठीक है। क्रिएट मैग्नेट मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैग्नेट मोमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। और इधर आपको एक गिम्बल का पिक्चर दिख जाएगा कि ये गिम्बल कैसा होगा, इसके बारे में बेसिकली बात करने वाला हूँ, उसके बारे में आपको बता दिया हूँ कि गिम्बल जो कि वीडियो अगर आप शूट करते हो इंडोर या आउटडोर कहीं पे भी, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये जरूरत तब पड़ती है जब आपका चैनल थोड़ा ग्रोथ करने लगता है, कुछ अर्निंग्स होने लगती है चैनल से, तब जाके आपको ये सारी इक्विपमेंट या एक्सेसरीज की जरूरत पड़ती है। तो फाइनली आज मैं इसको परचेस कर लिया हूँ, बस ये आप लोगों के लिए ही है ताकि मेरी वीडियो की क्वालिटी और इम्प्रूव हो सके, जिससे कि मेरे जो ऑडियंस है उनको एक अच्छा पिक्चर या एक अच्छी वीडियो की क्वालिटी मिल सके। तो गाइस, अगर आप नए हो चैनल पे तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन बेल को सेलेक्ट कर लेना, जिससे क्या होगा कि आने वाली ऐसी ढेर सारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलो विदाउट वेस्ट योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग की बात करें तो ऊपर के साइड में यहाँ पे कंपनी का नेम DJI दे रखा है, ओम 4S जो कि ये इसका मॉडल है। यहाँ पे गिम्बल का कुछ पिक्चर्स बना रखा है फोटो के तौर पर, ठीक है। यहाँ पे स्मार्टफोन स्टेबलाइजर का यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इधर थोड़ा सा बॉक्स को करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा DJI ओम 4, ठीक है। इसके अंदर मतलब बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज आपको मिलेगा सारे डिटेल यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बैक साइड में ऐसे करोगे तो यहाँ पे क्रिएट मैग्नेटिक मूवमेंट करके दिया, तो यहाँ पे इसके कुछ भी पिक्चर्स दे रखे हैं, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे है। यहाँ पे इसके कुछ एक एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉयड के लिए भी सपोर्टेड है और iOS के लिए भी ये सपोर्टेड, ठीक है। तो अभी इसको हम बात करते हैं अनबॉक्सिंग करने की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, तो कुछ इस तरह से ये अनबॉक्सिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ इसके पिक्चर्स दे रखे हैं कैसे कैसे आपको करना है, कुछ मैनुअली चीजें यहाँ पे बता रखे हैं। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे एक ऊपर आपको एक पेपर मिल जाता है, इसमें लिखा रहता है क्रिएट मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। और इसको आप ओपन करोगे तो इस तरह से ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कैरी करने के लिए आपके पास एक कैरी बॉक्स दे देता है, और एक यहाँ पे दूसरे साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक मैनुअल पेपर मिल जाता है, जिसमें आपको अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पे चीजों को बताया गया कि आप इसको कैसे हैंडल करोगे, कैसे चीजों को प्रोसेस करोगे। तो हम बात करते हैं, इसके अंदर एक और चीज दे रखा है अलग से, यहाँ पे डेटा केबल है, ठीक है, डेटा केबल है। तो यहाँ पे ये आपको क्या होना है कि इसको चार्ज कैसे करना है गिम्बल को, तो इसको भी अभी साइड में रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं हम अपने गिम्बल की, ठीक है। तो गिम्बल जो कि कुछ इस तरह से इसकी स्टैंडर्ड पैकिंग है जो कि आप देख सकते हो। तो फाइनली इसमें जो कि जो हमारा ये गिम्बल का क्या बोलते हैं, इसको स्टैंड बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से भी ओपन कर सकते हो अपने, कहीं पे भी टेबल पे इसको रख सकते हो। जैसे मैं बात करूँ तो इस गिम्बल को ऐसे स्टैंड कर सकते हो, ठीक है। स्टैंड करने के लिए दिया हुआ, यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ जिसमें हमारा गिम्बल क्या होगा कि कनेक्ट होगा, इससे हम टाइट करेंगे इसको, ठीक है। जो कि फाइनली गिम्बल, ठीक है, कुछ इस तरह से हमें ये गिम्बल की पिक्चर्स या हमें ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। कितना स्टैंडर्ड, यहाँ पे एक रबड़ का ग्रिप बना रखा है, इसमें कुछ बटन्स दे रखे हैं कंट्रोल करने के लिए, इस बारे में अभी आगे वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे साइड में रखते हैं। और यहाँ पे एक मोबाइल को होल्ड करने के लिए यहाँ पे एक होल्डर दे रखा है, जिसमें हमारे मोबाइल को कनेक्ट करेंगे या होल्ड करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ एक अलग से यहाँ पे एक मोबाइल को यहाँ पे अगर आपका ज़्यादा मोबाइल स्लिम है या पतला है तो उसको यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए, ताकि वो गैप न रहे, गैप को मेंटेन करने के लिए अलग से यहाँ पे स्ट्रिप दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी अभी हम साइड रखते हैं, ठीक है। तो फाइनली ये सारी चीज़ें, अभी ये बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, एक सिलिका जेल है। आपको पता होगा सिलिका जेल का काम क्या होता है, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, ताकि रस्ट और से हमें इसको सेफ्टी मिले, ठीक है। तो इसको अभी हम साइड रखते हैं। फाइनली हम इसको कैसे इंस्टॉल करना है, मतलब कैसे इसका सारा प्रोसेस करना है, मोबाइल को कैसे अटैच करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये सारी इसकी एसेसरीज, ये गिम्बल का स्टैंड है, ये हमारा जो गिम्बल है जो कि मेन इसी का काम है। और यहाँ पे एक गिम्बल को एडजस्ट करने के लिए, अगर आपका मोबाइल फोन स्लिम है तो उसके लिए अलग से दे रखा, और ये मोबाइल को होल्ड करने के लिए, और यहाँ पे एक USB केबल है, और ये इसका बॉक्स है। तो ये सारी एसेसरीज आपको इस पैकेट या इस बॉक्स के अंदर मिलती है, ठीक है, जो कि अभी आप देख सकते हो। अभी चलो फटाफट चलो इसका जो फाइनली प्रोसेस है इस गिम्बल को स्टार्ट करने का, कैसे कैसे इसका प्रोसेस करना होता है, कैसे इसका सेटअप करना होता है, ठीक है, तो इसको अभी करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो गिम्बल का स्टैंड है आप देख सकते हो, इसमें एक स्क्रू दिया हुआ है, और ये जो हमारा गिम्बल है, गिम्बल के अंदर भी इसके साइज का एक होल दे रखा है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल सा इसमें ना इसको ऐसे करके
यहाँ पे इसको हम टाइट कर देंगे। अब ये टाइट हो गया, अब यहाँ से हमारे हाथ में बिल्कुल आराम से ये होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे एक ग्रिप बना हुआ है, यहाँ पे भी आप पकड़ सकते हो। और इसको अभी ओपन कर देता हूँ मैं, यहाँ से ओपन करके अभी इसको यहाँ पे स्टैंड कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, गिम्बल स्टैंड हो गया, ठीक है। बाकी इनमें कुछ बटन्स दे रखे हैं जिनका कंट्रोल अभी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे जो ये बटन दे रखा है, यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, ये पावर बटन है। यहाँ पे इसको आप 1 से 2 सेकंड प्रेस करके रखोगे तो ये गिम्बल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए यहाँ पे दे रखा है, और साइड में यहाँ पे एक इसका चार्जिंग का पोर्ट दे रखा है, और यहाँ पे एक यूएसबी को केबल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे यूएसबी पोर्ट दे रखा है, देख सकते हो, ठीक है। और इसको हम जो ये बटन है इसको हम जॉयस्टिक बोलते हैं, ठीक है। ये इधर इधर आप स्लाइड कर सकते हो, जिस तरह चाहोगे उस तरह से। अभी इसका मैं आपको प्रोसेस कैसे होता है मैं बता दूंगा। और पीछे की तरफ एक बटन यहाँ पे दे रखा है जो कि आप देख सकते हो, ये भी एडजस्ट करने के लिए होता है गिम्बल के, जो हमारा ये मूव और रोटेट करने का प्रोसेस इसके लिए दे रखा है, ठीक है। तो फाइनली चलो अब इसको हम यहाँ पे मोबाइल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मोबाइल को इसमें कैसे होल्ड करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करो कि यहाँ से ओपन कर लोगे, ठीक है। ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा गिम्बल ओपन हो गया, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा गिम्बल ये ओपन हो गया, ठीक है। अभी ये यहाँ पे क्या कि देख सकते हो, यहाँ पे ये मूव हो रहा है, ठीक है ना, चारों साइड में। तो ये काफी मतलब ये स्ट्रांग है स्टैंड। आप अगर आप आउटडोर में वीडियो शूट करते हो तो भी इसको हैंड करके कर सकते हो, अगर घर के अंदर भी कहीं करते हो तो ऐसे स्टैंड पे अपने टेबल पे इसको स्टैंड करके वीडियो शूट कर सकते हो। अब इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सिंपल सा ये जो दिख रहा है इसके अंदर एक रबड़ का भी आपको आपके फोन के सेफ्टी के लिए दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये दे रखा है, तो सिंपल सा इसको इसमें ऐसे करके हम इसको होल्ड कर देंगे, ठीक है। अभी ये हमारा होल्ड हो गया फोन, ठीक है। और पीछे इसमें बहुत तगड़ा मैग्नेटिव दे रखा है, ठीक। तो अभी इसको मोबाइल को इसमें कनेक्ट करते हैं। तो सिंपल सा ये जो मैग्नेट है ना, इसको यहाँ पे लेके जाओगे ना, देखो ये एक कनेक्ट हो गया, मतलब ये इसको यहाँ पे होल्ड कर लिया। ये गिर नहीं सकता, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो ये नहीं गिर सकता, ठीक है ना। आप कैसे भी कर लो इसको ये नहीं गिर सकता। अब ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, इसको कैमरे को ऑन करके। सबसे पहले इसको ऑन करने के लिए क्या करना होगा, देखो हम इस पे प्रेस करके रखेंगे जो पावर बटन है, इसको 1 से 2 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे एक बीप साउंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी देखो ये साउंड जैसे बीप आया तभी यानी कि मेरा ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब गिम्बल हमारा स्टार्ट हो गया, और ये जो मैंने बताया एक जॉयस्टिक बटन है, आप जिधर करोगे उधर इसको ये घुमाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो जिस मोमेंट में आप चाहोगे जिस डायरेक्शन उस डायरेक्शन में ये आपको ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी ये रोटेट हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। डाउन करना है तो डाउन हो जाएगा, ठीक है। अप करना चाहते हो तो ये अप भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें हैं, इसके फीचर्स हैं। तो आपको ये जॉयस्टिक चलाना आना चाहिए, इसको कैसे कंट्रोल करना है ये आप अगर आप सीख जाओगे ना तो आपकी वीडियो क्वालिटी ऑटोमेटिकली यहाँ से बढ़ जाएगी, ठीक। तो इधर साइड में एक बटन दे रखा है, यहाँ पे बेसिकली आपको जूम और जूम आउट करने के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये आपको अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। पीछे की जो बटन दे रखा है ये आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड को ऑन कर देगा, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे 2 बार इसको क्लिक करोगे तो ये आपको मोबाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से आप करना चाहते हो उस तरह से कर सकते हो। अगर कोई वीडियो क्रिएट करना है, आपको वीडियो बनाना, तो यहाँ वीडियो पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैं चलो वीडियो को यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। मेरी वीडियो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। अब मेरे को चाहिए थोड़ा सा डाउन करना, तो यहाँ पे ये डाउन हो जाएगा ना। तो काफी जबरदस्त गिम्बल है ये, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसको परचेस कर लो, ठीक है। आपको बस इस जॉयस्टिक को चलाना आना चाहिए, जॉयस्टिक है ना जो, ये काफी कमाल का है, ठीक है गाइस। तो अभी इसको जो प्रोसेस है मैंने सब कुछ बता दिया। अब इसको कैसे ओपन करना, जैसे इसको चलो मैंने अभी इसको मोबाइल को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। इस मोबाइल को मैंने यहाँ से अभी होल्डर से मैंने इसको डिसकनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको अगर ऐसे करोगे तो पावर ऑफ करना है, तो इसको दोबारा सिंपल सा कुछ सेकंड तक दबा कर रखो। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये मैंने अभी 9000 में परचेस करा है, जो कि ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो फ्लिपकार्ट या अमेजन पे भी, जो इसकी प्राइस होगी आप वहां से परचेस कर सकते हो। बाकी मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके इसको परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी धमाकेदार अनबॉक्सिंग के साथ।